वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सोगंध मुझे इसमें टीकी, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आपको ये लाइनें तो याद ही होंगी क्योंकि ऐसी ही बातें सुनकर तो आपने दो दो बार नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। आज वही नरेंद्र मोदी खुद हर चीज की सेल लगाकर बैठे हैं। रेलवे, हवाई जहाज, बैंक, सरकारी कंपनियां और हवाई अड्डे तक बेच डालने वाले प्रधानमंत्री अब सेना को ही बेचने की तैयारी कर रहे हैं। मोदी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे ना सिर्फ देश की सीमाओं पर खतरा बढ़ सकता है बल्कि इससे राष्ट्र की अखंडता को भी ठेस पहुंच सकती है। मैं बात कर रहा हूं मोदी सरकार की अग्निपथ स्कीम की, जिसमें भारत की तीनों सेनाओं में ठेके पर सैनिकों की भर्ती होगी। सेना में नौकरी तो मिलेगी लेकिन सिर्फ 4 साल के लिए, और 4 साल पूरे होते ही सेना आपको बाहर का रास्ता दिखा देगी। अग्निपथ स्कीम में भर्ती सैनिकों को 4 साल बाद रिटायर कर दिया जाएगा। उन्हें ना पेंशन मिलेगी और ना ही किसी दूसरी नौकरी की गारंटी होगी। मोदी सरकार अब ठेके की सेना के सहारे देश की सीमाओं की रक्षा करेगी। तो आइए जानते हैं कि क्या ठेके पर सैनिकों की भर्ती देश हित में है या इससे देश की सुरक्षा पर गंभीर खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। थल सेना, नौसेना और वायुसेना को लेकर युवाओं में जबरदस्त क्रेज रहता है। युवा सुबह शाम भर्ती होने के लिए कड़ी मेहनत करते हुए आपको अपने आसपास दिख जाएंगे। ज्यादातर लोग गांव देहात की पृष्ठभूमि से आते हैं जो सुबह शाम खूब मेहनत करते हैं कि वो सेना की भर्ती के जो मापदंड है उसे पूरा कर सके, पास कर सके और सेना में नौकरी कर वो देश की सेवा कर सके। लेकिन अग्निपथ स्कीम उनके सपनों को तोड़ने का काम करेगी। इस स्कीम में लोग आएंगे तो जरूर, लेकिन 4 साल बाद उन्हें निराशा ही हाथ लग सकती है। जब कोई आर्मी या दूसरी फोर्सेस से रिटायर होता है और आम जीवन जीने जाता है तो उनको बेहतर नौकरी नहीं मिलती, ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं। उनको मिलती है तो गार्ड की नौकरी। इन जवानों को कॉरपोरेट वर्ल्ड भी एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के लिए इनके अंदर वैसी स्किल्स नहीं होती, इसलिए ज़्यादातर जो फोर्सेस से रिटायर्ड होने वाले लोग हैं वो किसी बैंक के बाहर, किसी मॉल के बाहर या किसी इस तरह के प्राइवेट जो संस्थाएँ होती हैं, ऑफिसेज होते हैं, उनके बाहर वो गार्ड की नौकरी करते हुए दिखाई देते हैं। जो जवान देश की माँ भारती, जिसे नरेंद्र मोदी कहते हैं, देश की रक्षा करते हैं, वही लोग दूसरों को सलाम ठोकते ठोकते अपनी जिंदगी गुजारते हैं। ये हमारे सामने है, हमने देखा कि किस तरह से जो डिफेंस रिटायर्ड लोग हैं उनको नौकरियां मिलती हैं, उन्हें कोई बहुत ज्यादा अच्छी नौकरियां बाद में नहीं मिलती है। अब डिफेंस एक्सपर्ट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि इससे क्या होगा कि अग्निवीरों को आसानी से रेडिकलाइज भी किया जा सकता है। पीके सैगल एक डिफेंस एक्सपर्ट है, उनका कहना है कि ऐसे जो सैनिक होंगे जिनको 4 साल बाद रिटायर कर दिया जाएगा, अब उनके पास सेना का कुछ प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग मिली हुई है और उनको पता है सेना किस तरह से काम करती है, तो मुमकिन है कि बाद में उनको रेडिकलाइज भी किया जा सके क्योंकि जब वो आम जनजीवन में आएंगे तो देश की जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, गुजारे के लिए जो जद्दोजहद है, उससे उनका सामना होगा। और उनका कहना है कि इससे उन्हें रेडिकलाइज भी किया जा सकता है, आसानी से इनको दूसरे कामों में लगाया जा सकता है, ऐसे में ये देश के लिए चुनौती साबित हो सकते हैं। पीके सैगल डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो ये बात कह रहे हैं, अग्निवीरों को बाद में महसूस हो सकता है कि 4 साल तक इनका इस्तेमाल करके इनको सर्टिफिकेट पकड़ाकर फेंक दिया गया। हर साल 55,000 से ज्यादा हाई स्किल्ड जवान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी से रिटायर होते हैं। इसमें से 1-2% लोगों को ही नौकरी मिलती है, और क्या नौकरी मिलती है आप सब जानते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो किसी मॉल के बाहर, किसी एक ऑफिस के बाहर, बैंक के बाहर गार्ड बन जाते हैं, उससे ज्यादा उनको कोई अच्छी नौकरियां नहीं मिलती। 4 साल बाद जब अग्निवीर जो है वो सिविल में जाएंगे, वापस अपने देश की तरफ लौटेंगे, तो उन्हें किस तरह की नौकरी मिलेगी इसकी कोई गारंटी जो है वो मोदी सरकार नहीं दे रही। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे सेना कमजोर होगी क्योंकि किसी सेना को मजबूत बनाने में जितनी हथियारों की भूमिका होती है उससे भी ज्यादा अहमियत उन हथियारों को चलाने वाले सैनिकों की ट्रेनिंग की होती है। सेना में बेहतर जवान बनने में 7 से 8-10 साल लग जाते हैं, ऐसे में सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग में क्या होगा। बेहतर जवान को आर्मी में तैयार होने में लंबा वक्त लगता है, वो रिक्रूट होते हैं, ट्रेनिंग होती है, अपनी बटालियन में समय बिताते हैं और वो तरह तरह की ट्रेनिंग लेते हैं, अलग अलग मोर्चों पर उनकी तैनाती होती है, तब जाकर वो एक अच्छे सोल्जर बन पाते हैं जो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते हैं।
ऐसे में जो अग्निवीर हैं जिनको सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, वो भला किस तरह के सैनिक बनेंगे? सैनिक बनाना किसी मशीन से किसी प्रोडक्ट का उत्पादन नहीं करना होता कि आपने कोई चीज़ डाल दी और मशीन ने उसको बनाकर दे दिया, बल्कि कड़ी ट्रेनिंग, अनुशासन और दुश्मन को ढेर करने की काबिलियत को उसको ज़्यादा इन्हेंस किया जाता है, उसको बढ़ाया जाता है, तब जाकर कोई सोल्जर बनता है। लेकिन 6 महीने की ट्रेनिंग में सरकार कैसे बेहतर सैनिक बना पाएगी? रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सीमा पर इन अग्निवीरों को तैनात किया जाता है तो उससे बड़ा नुकसान हो सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट इसको लेकर आशंकित हैं कि यदि इनको बॉर्डर पर तैनात किया जाता है जहां दुश्मन से सीधी मुठभेड़ होती है तो फिर इससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये रो सोल्जर होंगे। उनका कहना है डिफेंस एक्सपर्ट्स का कि क्योंकि इनको ट्रेनिंग बहुत कम मिली है, बहुत थोड़े वक्त के लिए सेना में है, तो इसलिए ये सुपर सोल्जर जैसे नहीं होंगे बल्कि रो सोल्जर होंगे। असली सोल्जर वाली काबिलियत तो अभी इनमें आना बाकी है। ऐसे में ये जो रो सोल्जर होंगे इनके लिए मैन बिहाइंड मशीन का जो मोरल है उस तरीके से नहीं होगा जो पुराने सैनिकों का होता है। यानी पुराने सैनिक जो अलग अलग जगह पर तैनात हो चुके हैं, काम कर चुके हैं, बटालियन में समय बिता चुके हैं, उनके अंदर जो जज्बा होगा, जो मोरल्स होंगे, उनके मुकाबले में ये जो रो सोल्जर्स हैं इनमें कमी होगी। तो ऐसे में सीधी जब मुठभेड़ अगर सीमा पर होती है तो फिर इनको अपने परिवार की चिंता सता सकती है, क्योंकि इनको मालूम है कि ये सिर्फ 3-4 साल के लिए आए हैं। तो ऐसे जवानों को चिंता अपने परिवार की होगी और वो जवान 3-4 साल पूरा करके सिविल स्टेट में जाने की कोशिश में रहेगा कि जल्दी से 3-4 साल पूरे हो जाएं, फिर मैं वापस लौट जाऊं अपने परिवार के पास या कुछ और करूं। तो अगर अग्निवीर को इस बात का पता हो कि उसे भाई 15-20 साल की नौकरी करनी है, उसको पेंशन मिलेगी, उसके परिवार को इंश्योरेंस मिलेगा, एक सिक्योरिटी है, तो वो अपनी जान को हथेली पर रखकर युद्ध लड़ेगा। लेकिन इतने छोटे से वक्त तक सेना में कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी करना उसके मनोबल को कमजोर कर सकता है और फिर अग्निपथ जैसी स्कीम से देश का बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसा डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ऐसा होगा तो इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। अग्निपथ स्कीम 2 मकसद के लिए लाई जा रही है। देश में बड़ी बेरोजगारी है और 2024 से पहले युवकों को सरकार ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी देना चाहती है। दूसरा ये कि पैसे की वजह से इस तरीके के कदम बढ़ाए जा रहे हैं। सरकार कह रही है कि भाई ज़्यादा पैसे हैं नहीं सरकार के पास में, तो जो खर्चा हो रहा है डिफेंस पे उसको कम कर दिया जाए, जो खासकर जो इनकी रिक्रूटमेंट है, जो जवानों की रिक्रूटमेंट है उसमें कमी कर दी जाए। सरकार डिफेंस या सिविलियन पर जहाँ सबसे ज़्यादा बजट होता है उनको हाथ नहीं लगाती है। जहाँ जवान पर पैसा खर्च करने की बात आती है तो उस पर इस तरीके की बातें की जा रही हैं। यानी कि जो नीचे के तबके के जो जवान हैं, जो सोल्जर्स हैं, उनके कहें कि सुविधाओं में कटौती, उनकी पेंशन को ख़त्म कर दिया, उनको 4 साल के लिए आप नियुक्त कर रहे हैं, उनकी पूरी नौकरी खा गए, उनको जो है इस तरीके की कोई सुविधा नहीं मिलेगी, कोई PF नहीं मिलेगा, कुछ भी उनको इस तरह से चीज़ें ज़्यादा नहीं मिल रही हैं। रिटायरमेंट पे करीब 11 लाख रुपए की वो कहें कि आधी सैलरी से उनकी कटेगा, आधी सरकार देगी और फिर उनको जो है वो फारिग कर दिया जाएगा, तो इससे भला पूरी जिंदगी की एश्योरेंस कैसे मिल सकती है? तो इतिहास गवाह है कि भाई जब तक हमारी फौजें कमजोर थी हमारे ऊपर हमले होते रहे। आजादी के बाद हमने 5 लड़ाइयां लड़ी और चीन भी हमसे इसलिए जीत पाया क्योंकि उस समय पॉलिसी को लेकर ये बात कही जा रही थी कि जो है सेना को इसलिए मजबूत, बहुत ज़्यादा हथियार नहीं दिए गए, बहुत ज़्यादा उनको आधुनिकीकरण उनका नहीं किया गया, क्योंकि पाकिस्तान और आसपास के जो देश थे जो भारत के साथ ही आज़ाद हुए थे वहाँ सेना तख्ता पलट कर रही थी। तो उस समय नेहरू की सरकार पर यह कहा कि उसकी पॉलिसी ऐसी थी कि वो सरकार को बहुत ज़्यादा जो है सेना को आधुनिक नहीं बना रही थी और उसका नुकसान हुआ। हमने 1962 की लड़ाई हारी, चीन जीत गया, बाकी सारी लड़ाइयाँ हम जीते, हमारे जो हथियार थे वो भले ही कमज़ोर थे लेकिन जवान जो थे वो मजबूत थे, उनके हौसले ताकतवर थे। लेकिन सरकार ऐसे वक्त में सेनाओं के साथ इस तरह का प्रयोग कर रही है जब चीन और पाकिस्तान जैसी न्यूक्लियर ताकतों के साथ आए दिन हमारी मुठभेड़ होती रहती है। ऐसे में मोदी सरकार का यह प्रयोग आत्मघाती साबित हो सकता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इसे तीनों सेनाओं के लिए लाया जा रहा है और यह बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। हमें विनर सेना तैयार करनी है, न कि रनर अप सेना। ठेके पर सेना तैयार करने वाली स्कीम से देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। हम युद्ध के लिए फौज तैयार करते हैं जिससे युद्ध जीत सके। युद्ध में हम रनर अप नहीं, यानी दूसरे नंबर पर नहीं आते हैं कि चलो आप जो हैं वो जीत गए, हम दूसरे नंबर पर आ गए, ऐसा नहीं होता। वहाँ एक विजेता होता है और एक पराजित व्यक्ति होता है जो हार गया है। तो हमें जीतने वाली सेना बनानी होती है
और हम जो हैं विनर तभी बन सकते हैं जब हमारे पास ताकतवर सेना हो, तभी हम देश की सुरक्षा कर सकते हैं। गलवान घाटी में हमारे सैनिकों की ट्रेनिंग और हौसला काम आया, नए उनके पास हथियार थे। आपने देखा कि गलवान की जो भिड़ंत हुई थी चीन के सैनिकों के साथ में, उस तरह उस वक्त हमारे जो सैनिक थे वो तो डंडे लेके गए हुए थे, हथियार उनके पास थे भी नहीं क्योंकि वहाँ पे सीज फायर है। लेकिन चीन के सैनिक किस तरह से आए थे, उससे बड़ा नुकसान हुआ और किस तरह से उन्होंने उनका सामना भी किया, ये सब कैसे हुआ, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग थी, उनके पास जज्बा था, वो लंबे समय तक सेना का हिस्सा थे, इसलिए वो लड़ पाए। फिर भी ट्रेनिंग काम आई, उन्होंने चीनी सैनिकों को सबक सिखाया, ये सब ट्रेनिंग का ही नतीजा है। लंबी ट्रेनिंग जवानों को बेहतर बनाती है, अलग अलग जगह जब उनकी ट्रेनिंग होती है तो उसका फायदा उनको होता है। जवानों को सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे तो उससे बड़ा नुकसान होगा, ये रक्षा विशेषज्ञों का मानना है, उनकी आशंका है कि इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। मेहमान सैनिकों के दम पर युद्ध नहीं जीते जा सकते। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोई सेना मेहमान सैनिकों के दम पर युद्ध नहीं जीत सकती, इससे सेना खराब हो जाती है, ये एक बड़ी गलती है। दो तरह की गलत फहमियां हैं दरअसल, एक ये कि आपके पास जो है वो पर्याप्त जवान हैं तो आप युद्ध जीत सकते हैं, कि आपके पास बहुत सारे जवान हैं तो लड़ाई हो जाएगी तो जीत जाएंगे। इस स्कीम में लोग उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जा रहा है, जिनमें 25% को ही परमानेंट किया जाएगा, बाकी 75% लोगों की छटनी हो जाएगी। तो हो सकता है कि वो चाटुकारिता का भी काम करें, जो अफसरों की बातें मानेंगे, उनके कहे मुताबिक काम करेंगे, या फिर जो जाति धर्म का कनेक्शन और तमाम तरीके के कनेक्शन देखे जाएंगे, हो सकता है उनको पक्का कर दिया जाए, तो बाकी 75% को निपटा दिया जाएगा, उनकी छटनी कर दी जाएगी और बाकी को रिलीज कर दिया जाएगा। दूसरी गलतफहमी यह है कि किसी युद्ध में बड़ा प्रभाव हथियार पैदा करते हैं, न कि प्रशिक्षित प्रेरित और अपनी यूनिट सब यूनिट से घुले मिले गुणवत्ता वाले योद्धा। ये भी माना जाता है कि अगर आपके पास में न्यूक्लियर मिसाइल है, आपके पास में तोप है, बोफोर्स है, या फिर आपके पास में सिक्योरिटी डिफेंस सिस्टम है, तो उससे आप युद्ध जीत सकते हैं, रफाल ले आए उससे युद्ध जीत लेंगे। लेकिन अगर ऐसा करने वाले जो सैनिक हैं, उन हथियारों को चलाने वाले जो सैनिक हैं, अगर वो काबिल नहीं है तो फिर क्या होगा। अगर मेहमान सैनिक किसी स्थिति में घबराकर भागता है तो उसका दुष्प्रभाव उसकी यूनिट के बाकी सदस्यों पर भी पड़ता है, ये नहीं है कि वो चला गया तो बाकी लोग ठीक रहेंगे, हो सकता है कि वो उनको नुकसान पहुंच जाए, इससे पूरे यूनिट में पैनिक होता है जिससे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, बहुत अनकंट्रोल सिचुएशन होती है, वार सिचुएशन में बहुत बुरे हालात होते हैं। हर सैनिक के दिल में देश के लिए कुछ करने गुजरने की भावना होती है कि देश के लिए कुछ कर गुजरूं, वो अपनी टीम के साथियों के बीच में कायर साबित नहीं होता, वो चाहता है कि उसके परिवार भी उस पर गर्व करें और वो कायर ना कहलाए। सैनिक हर बुरी और विपरीत परिस्थिति में इसलिए देश के लिए खड़ा रहता है ताकि उसके और उसके यूनिट की प्रतिष्ठा पर कोई आंच ना आए। अपनी बटालियन के लोग कितना कुछ काम कर देते हैं, कितने संघर्ष करते हैं, कितनी मुठभेड़ करते हैं, इसीलिए कि उनकी बटालियन, उनके देश, उनके परिवार, उनका नाम रोशन हो सके। लेकिन आप 4 साल के लिए सेना में आए जवान के लिए ये उनके लिए कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो तुरंत सेना अपने साथियों के साथ यूनिट के साथ जुड़ाव पैदा कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो सिर्फ 4 साल के लिए सेना में आए हैं और उसमें से भी 6 महीने साल भर उनकी ट्रेनिंग में निकल गया, तो उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तो कैसे उनका वो कनेक्शन जो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है वो बन पाएगा, ये सवाल खड़ा होता है। देश में नौकरियां नहीं है इसलिए बेरोजगार युवा 4 साल की कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी भी करने को तैयार हो जाएंगे। आप देखते हैं कि एक पीओन की नौकरी निकलती है तो किस तरह पीएचडी होल्डर जो लोग हैं वो लाइन में लग जाते हैं, बहुत बुरी स्थिति है। तो इसके लिए भी युवा बेचारे जो इतनी मेहनत कर रहे थे, सुबह उठकर, दोपहर में, शाम में, कितनी मेहनत, आप देखें सड़कों पर रेस करते हुए, वर्जिश करते हुए, वो लगातार अपने आप को तैयार करते हैं कि हम सेना की भर्ती का जो है वो इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही भर्ती आएंगी तो हम उसमें जाएंगे, अगर हम पास हो जाते हैं तो हमें नौकरी मिल जाएगी। अब उनको निराशा हाथ लगेगी, लेकिन भला वो कैसे सैनिक बनेंगे, इस पर भी सवाल जरूर उठता है और इससे हमारे देश की सुरक्षा पर भी असर पड़ेगा। सारी सुरक्षा निर्भर करती है, और जब वो 4 साल बाद फिर से बेरोजगार हो जाएंगे तब वो सरकार के खिलाफ अगर खड़े हो गए तो क्या सरकार करेगी, तब ये सवाल ज़रूर है कि आपने उनको ट्रेनिंग दी है, उनको हथियार चलाना आता है, वो सेना में रहे हैं, उनको एक कुछ अनुशासन भी उनमें ज़रूर आया होगा, और ऐसे लोगों को आपने 4 साल बाद बेरोजगार कर दिया, जाइए भीड़ में शामिल हो जाइए और उसी भीड़ का हिस्सा बन जाइए, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया तो फिर सरकार क्या करेगी। कुल मिलाकर मोदी सरकार के इस फैसले के फायदे कम हैं और नुकसान ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार तो वही करती है जो उसे करना होता है। देश हित की चिंता होती तो सेना में खाली 1 लाख पदों को पहले भरा जाता, परमानेंट नौकरियां दी जाती जो लोग उसके तैयारी कर रहे हैं।
अगर उन्हें बेरोजगारी की चिंता होती तो रेलवे के 98,000 पद खत्म नहीं करते। अगर उन्हें चिंता होती तो मिनिस्ट्री में 10 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हुए सेंटर की उनको भरा जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देंगे और वो नौकरियां पहले से खाली पड़ी हुई, उनको नई नौकरियां नहीं है, वो उनको सर्जन नहीं कर रहे हैं वो नए रोजगार का, बल्कि जो खाली पड़े हुए उनको भरने की बात करें तो लॉलीपॉप फिर से दे दिया। अच्छे दिनों का वादा करने वाली सरकार कुछ और ही सोच रही है और इस तरह के जो काम हैं इससे आपकी मेरी देश की सुरक्षा पर भी सवाल या निशान लग सकता है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद करें मेरे सहयोगी मोहित रजरा। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक।